चुनाव का आज अंतिम दिन है, सभी पार्टियां अपने दम सम लगाकर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे, रोड शो भी किया और जनसभा भी आरजेडी की हुई। आइए बात करते हैं हम गोड्डा से आरजेडी के प्रत्याशी संजय यादव जी से कि जन समर्थन इस तरीके का देखकर क्या लगता है, जनता के बीच में कितना उत्साह है। जनता इस बार हमारा मालिक इसलिए के खुश है कि बीजेपी को हम लोग भगा रहे हैं, जो हम लोग को मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान ये कह करके जो ठका और जो हमको बरगला करके धोखा दरी करके पैसे का खेल खेल के मुर्गा दारू खिला के जो ठकने का काम किया, 5 दिन खिला करके और फिर 5 साल ठका, उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। और सारे आवाम जो है इस बार सभी जाति के लोग सभी धर्म के लोग सभी ऊंची जाति के लोग पिछड़ा दलित गरीब अल्पसंख्यक आदिवासी ये कसम खा चुका है कि बीजेपी को इस बार भगाना है और यहाँ पे महागठबंधन का गरीब का बेटा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है, तभी गरीबों का विकास हो सकता है। आज चुनाव का प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था, आप सारे इलाके में चुनाव प्रसार के कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारे जो मालिक हमारे मालिक को जो इन्होंने डंटा देने का काम किया है, बेइज्जत करने का काम किया है, विकास के नाम पर जीरो, जो झूठा वादा करके 24 घंटा 22 घंटा हम बिजली देंगे नहीं तो वोट मांग रहे हैं, ये सारे चीजों को पारा टीचर हो आंगनबाड़ी हो जलसैया हो सैया हो जिस तरह से पिटाई किया है, सारे लोग एकजुट हो गए और इनके सारे परिवार बदला लेने के लिए 20 तारीख को एक एक मतलाल छाप देंगे। आप जनसलाह आप देख रहे हैं, इसमें कोई पैसे वाला नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है, गरीब गरीबों की ताकत, गरीबों को जो ठका वो देश से भागा, इसलिए कि इस बार सुनने वाला कुछ नहीं है। बीजेपी के तरफ से कई स्टार प्रचारक आए और प्रचार प्रसार किया, आपके तरफ से कोई खास स्टार प्रचारक गोड्डा में नहीं देखा गया? अरे भैया जब यहाँ पे हमारा मालिक का स्टार प्रचार जब हम खुदे हैं तो यहाँ दूसरे की जरूरत क्या है, और हमारा नेता जो भावी मुख्यमंत्री है बिहार के तेजस्वी यादव जी, और कल आप जैसे देखे कि हमारे भावी मुख्यमंत्री ने कही वर्तमान मुख्यमंत्री अब बोलिए कि जो हेमंत जी कल आए और अपार जनसलाह जो देखे, तो उतना स्टार फिस्टार हम लोग नचनिया गबनिया भजनिया वाला आदमी नहीं है, हम लोग जो है गरीब का जो मसीहा गरीब का जो सुरक्षा कर सकता है गरीब के लिए जो लड़ाई लड़ सकता है वही गरीब का बेटा यहाँ पे आया। आपको समर्थन करने के लिए सरयू राय भी कल गोड्डा में आए थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरयू राय जी हम लोग के साथ विधायक ने हमसे काफी लगाव रहा है और आज दल बल से छोड़ के पूरे दल ने भी भटक कर दिया से और सभी सरयू राय जी से हमारा पुराना संबंध रहा है, इसलिए कि हमारे प्रचार में और सरयू राय जी भी नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह जी भी जो हम लोग के गार्जियन है और बिहार में कई बार मंत्री भी रहे वो भी आए हैं, और इस तरह से छुपे रुस्तम में कई बीजेपी के नेता और कई जदयू के नेता हमारा मदद कर रहा है सहयोग कर रहा है, जो कि हमारा रिलेशन सभी से अच्छा रहा है, क्योंकि ओपन नहीं कर सकता लेकिन छुपे रुस्तम में सारे। विपक्षी पार्टी कहती है कि एक दागदार और एक बेदागदार में चुनाव है, अब जनता फैसला करेगी, इस पर क्या कहेंगे? एक दागदार एक बेदागदार वो तो समझ में 23 तारीख को आ जाए कि दागदार कौन था बेदागदार कौन था, ये 23 तारीख को समझ में आ जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि 12 बजे के बाद कहीं बिहार और झारखंड में रहेगा, छत्तीसगढ़ में शाम में निकल जाएगा और एक अपना जो है यहाँ के जो दाग और बेदाग बोलता है वो जो है सीधे विदेश भागने काम करेगा और फिर जनता उसका शकल भी नहीं देख पाएगा। वो बार बार अपने चुनाव में जिक्र करते हैं कि हमने अच्छे पैकेज को छोड़ के इंग्लैंड से इंडिया आया जनता की सेवा करने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हम तो भाई विदेशी आदमी है, अब गोल्ड पैकेज उसको मिलता था
और कौन पैकेज उन्हें मिलता था वो तो वही बता सकता है। गोड्डा के लोगों ने 3.5 साल में विदेशी पैकेज को यहाँ देख लिया कि रात में भारत की रात में बुलेट भी पकड़ाता है, यहाँ के लोगों को जिस तरह से 4 घंटा तक, पहला बार होगा कि 4 घंटा तक थाने में बैठा के जिस एमएलए को रखा, आप समझते होंगे कि किस लिए बैठा के रखा। उतना ही नहीं, ये इन्होंने कहा कि हमारे भाई को धमकी दिया फोन पे, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया लेकिन एफआईआर नहीं किया, उसका नाम भी उजागर नहीं किया कि धमकी मालिक के साथ। गोड्डा के चुनाव में एक अहम चीज देखी गई कि एक स्थानीय मुद्दा जो ज्वलंत रहा वो बालू, बालू पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, बालू में जो दोष देने जिला के पदाधिकारी को वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इस राज्य के मुखिया ने 5 साल तक बालू का टेंडर नहीं कराया, तो मुखिया को ये सोचना चाहिए ना कि हम जब बालू का टेंडर ही नहीं कराए तो रोड बन कैसे रहा, स्कूल बंद कैसे रहा है, भवन कैसे बन रहा है, और जो इतना योजना चल रहा है कैसे चल रहा है, कहां से बालू आ रहा है, तो वो सब बात नहीं है। बात ये है कि उसी बालू का कमाई से ये बैनर पोस्टर जो ताम झाम जो देखते सरकार का, ये सीधे पैसा जाता है इस राज्य के मुखिया के पास, और ये लोग तो असूल के देता है, चूंकि जितना पदाधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग करा के आता है कोई भी 50 लाख। क्या माने आपकी सरकार अगर बनेगी ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे लिए जाते हैं आप जो कह रहे हैं उन सब पे रोक लगे? और हम लोग की ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई पदाधिकारी बोल दे कि कभी 10 रुपए लिया है, हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में हम जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसलिए हमारा सरकार और हेमंत जी का सरकार ने कभी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का काम नहीं किया और जनता का गरीब का काम करने का काम किया। आज ट्रांसफर पोस्टिंग एक ट्रैक्टर मालिक को आप देख रहे हैं 3 तरह से दोहन होता है, जिला में आप ब्लॉक में चले जाइए आज जो है वहाँ एक आप फार्म भर के दीजिए तो बिना 500 रुपया दिए कंप्यूटर में नहीं चढ़ेगा, सारा चीज सबके सामने है, आप लोग को भी सब पता है। एक ट्रैक्टर मालिक को ट्रिप पे अलग दीजिए, मंथली पे अलग दीजिए, और पकड़ा गया तो केस के नाम पे डरवा करके 70,000-80,000 लाखों रुपया का खेल होता है। ये नहीं समझता ये ट्रैक्टर वाला कितना गरीब होगा, अपना बाल बच्चे को घर वाले को भरण पोषण करता है और लेबर को इसी में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो चोरी छिपे तो करता ही है, लोग चलवा रहा है, सरकार चोरी करवा रहा है। अगर आज उसको टेंडर करा देता, चलान मिलता, तो ट्रैक्टर वाला सीधा तार पे चलता, किसी का डर भय नहीं रहता, रात रात भर बेचारे लोग जो है जग करके कैसे अपना गाड़ी पार करता है, कैसे चला रहा है, क्योंकि फाइनेंसर अलग तक कर रहा है, बैंक अलग तक कर रहा है, गाड़ी तो खरीद लिया।